हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, ऑलरेडी मैंने सारा सिलेबस आपका कंप्लीट करवा दिया है। तो आज हम स्टार्ट कर चुके हैं एक एक सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके टॉपिक्स को कवर कराना। ऑलरेडी हमने सब फर्स्ट ईयर के कई टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं आपके, सोशियोलॉजी के, जियोग्राफी के एंड पॉलिटिकल साइंस के। तो हम सेकंड ईयर के भी धीरे धीरे टॉपिक्स कवर करवा रहे हैं, थर्ड ईयर के भी एक एक टॉपिक ऐसे ऐसे कवर होते रहेंगे एंड पूरी ईयर हम इसी तरह से पढ़ाई करते रहेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे बीएस सेकंड ईयर का सोशियोलॉजी का पहला चैप्टर, जो कि आपके पहले पेपर का पहला चैप्टर होने वाला है। एंड आज हम सोशियोलॉजी को एक टॉपिक वाइज आपका स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने सिलेबस में आपको बताया हुआ था कि सोशियोलॉजी का पहला टॉपिक जो हमें पहले पेपर में पढ़ना है, उसका नाम है समाजीकरण। कि समाजीकरण आखिर है क्या? तो आज हम बीए सेकंड ईयर के सोशियोलॉजी के पेपर 1 का चैप्टर 1, जिसका नाम है समाजीकरण अवस्था और सिद्धांत। समाजीकरण क्या है, उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, उसके थ्योरीज कौन कौन से हैं, किन विद्वानों ने किस तरह से कहा है, इन सभी टॉपिक्स पर बात करना है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करो आम भाषा में कि क्या हो सकता है सोशलाइजेशन, जिसको हम समाजीकरण कहते हैं। तो समाजीकरण बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया है, यह एक ऐसा काम है जिसको करने से, जिसको सीखने से हम समाज में रहने के योग्य बन जाते हैं। कि अगर एक समाज जिस तरह से चल रहा है, एक समाज जिस तरह से अच्छे तरीके से रन कर रहा है, उस समाज में हमारी क्या ड्यूटीज़ हैं, हमें किस तरह से उस समाज में रहना चाहिए, हम एक बच्चे हैं तो हमें किस तरह से रहना चाहिए, हम एक स्टूडेंट हैं किस तरह से रहना चाहिए, एक मैन है तो किस तरह से रहना चाहिए, वोमेन है किस तरह से रहना चाहिए, हम अलग अलग रोल अपनी लाइफ में निभा रहे हैं, उस पोस्ट पर हम हैं तो हमें किस तरह से होना चाहिए, यानी कि समाज में रहने का ढंग अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार उसको सीख लेना, उसको आत्मसात कर लेना, उसको जान लेना ही कहलाता है आपका समाजीकरण। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि समाजीकरण मतलब समाज कैसे रन हो रहा है, उसको सीख लेना और उसके अकॉर्डिंग जीना, यह कहलाता है आपका समाजीकरण। अब समाजीकरण के बारे में कई सारे विद्वानों ने अपनी अपनी राय रखी है समाजीकरण को लेकर के। आप देख सकते हो, ग्रीन ने कहा है, जॉनसन ने कहा है, न्यूमेयर ने कहा है, अलग अलग और भी विद्वान हैं जिन्होंने समाजीकरण के बारे में अपनी राय रखी है। तो जब भी आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि समाजीकरण क्या है, इसकी अवधारणा और विशेषताओं पर विस्तृत रूप से प्रकाश डालिए, तो उसमें आपको क्या करना हो, 1000 वर्ड में आपको लिखना होता है। तो सबसे पहले आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना है, यानी कि बेसिक उस टॉपिक के बारे में आपको क्या समझ में आ रहा है, ये आपको बताना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि समाजीकरण क्या होता है, एंड इसके बाद आपको देना होगा विद्वानों का स्टेटमेंट कि विद्वान इसके बारे में क्या कहते हैं, समाजशास्त्री जो है इसके बारे में क्या कहते हैं। तो इस टॉपिक पर, यानी कि समाजीकरण पर अपनी राय रखते हुए ग्रीन महोदय कहते हैं कि क्या समाजीकरण वह प्रक्रिया है, समाजीकरण एक ऐसी क्रिया है, प्रक्रिया मतलब एक सीरीज वाइज चलने वाली, तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं को, यानी कि एक बच्चा पैदा हो रहा है, अब उसको समाज में रहना है तो उसको समाज की चीजों को सीखना होगा, उसकी संस्कृति कैसी है, वो समाज जो उसकी संस्कृति है, उसके आसपास का बिहेवियर है, उस संस्कृति की विशेषताएं क्या है उसको समझना, आत्मपन यानी कि आत्मा का विकास कैसे हो सके, अपने आप को कैसे जाना जा सके, और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है, यानी कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई बच्चा अपनी सांस्कृतिक परिस्थितियों को, सांस्कृतिक विशेषताओं को सीखता है, आत्मपन को ग्रहण करता है और अपने व्यक्तित्व को प्राप्त होता है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है जब वो एक समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखता है। तो ऐसी प्रक्रिया है समाजीकरण जो व्यक्ति के अंदर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है, उसके कल्चरल चीज़ों को उसको सिखाती है, कल्चरल विशेषताएँ वो पता करता है और अपने आप में सेल्फ अवेयरनेस उसके अंदर आती है। एंड इसी पर अपना राय रखते हुए, समाजीकरण पर अपना राय रखते हुए जॉनसन महोदय कहते हैं कि समाजीकरण सीखने की वह प्रक्रिया है, समाजीकरण क्या है, सीखने की एक प्रक्रिया है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिकाओं का निर्वाह करने के योग्य बना देती है। जॉनसन महोदय क्या कहते हैं कि समाजीकरण जो है वो सीखने की क्या है, एक प्रक्रिया है, यानी कि कैसे सीखा जाए, अलग अलग समय पर हमें अपने लाइफ में अलग अलग चीजों की आवश्यकता है तो हम कैसे उस चीज को सीख सके, उसकी एक प्रक्रिया है जो सीखने वाले व्यक्ति को, जो सीखने वाले को क्या करती है कि सामाजिक भूमिकाएं, यानी समाज में हम रह रहे हैं तो हमारा समाज में रोल क्या है, हमारी समाज में भूमिका क्या है, उस भूमिका को निर्वाह करने का, यानी कि उस भूमिका को हम कैसे एक्शन में ला सकें, एक्ट कर सकें, उस भूमिका को निर्वाह कर सकें, उसके योग्य बना देता है। समाज में एक बच्चा पैदा होता है, एक बच्चे का पैदा होकर के उसकी क्या इंपॉर्टेंस है या उसकी क्या भूमिका है, उसकी क्या कर्तव्य है, उस कर्तव्यों को कैसे पूरा किया जाए, उसके योग्य बना दे कि अगर बच्चा है उसको स्टूडेंट कैसे रहना है, एक अच्छा भाई कैसे बनना है, एक अच्छा दोस्त कैसे बनना है, एक अच्छा अगर वो बड़ा हो रहा है अपने समाज में तो समाज के लिए एक अच्छा नागरिक कैसे बनना है, एक अच्छा बाप कैसे बनना है, मतलब हर एक सिचुएशन पर उसके लाइफ के हर समय पर वो अपने आप को इतना एबल पाए, इतना कैपेबल पाए कि वो हर सिचुएशन से अपने आप को निकाल सके और समाज के लिए एक बेहतरीन सिटीजन बन सके। तो ऐसी प्रक्रिया को कहते हैं समाजीकरण, यानी कि जो सीखने वाले को समाज की जो भी भूमिकाएं हैं, जो भी रोल है उसको निभाने के योग्य बना देती है।
इसी पर अपना विचार रखते हुए न्यूमेयर महोदय कहते हैं कि एक व्यक्ति के सामाजिक प्राणी के रूप में परिवर्तित होने को ही सामाजिकरण कहते हैं। यानी एक व्यक्ति है, अगर उसको कुछ भी ना सिखाया जाए तो वो समाज के बारे में क्या जानेगा, समाज के बारे में क्या समझेगा। तो एक व्यक्ति जो है वो एक नॉर्मल व्यक्ति है मान लिया, उसको समाज के अनुसार सामाजिक प्राणी के रूप में बदल जाएगा। यानी कि एक ऐसा प्राणी जो समाज की भूमिकाओं का निर्वाह करता हो, समाज की रिस्पेक्ट करता हो और समाज के अनुसार अपने जीवन को जी रहा हो एक ऐसे वे में जिससे कि लोगों को तकलीफ ना हो रही हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना रहा हो, एक समाज अच्छे से रन कर सके उस वे में जीने वाला प्राणी बना दे, उस प्रक्रिया को कहते हैं हम सामाजिकरण। तो इस तरह से तीन विद्वान है, आप दो विद्वानों का मैक्सिमम देना, जब भी आप एग्जाम में दे रहे हो तो दो विद्वानों का आप स्टेटमेंट दे सकते हो, दो विद्वानों का आप स्टेटमेंट दोगे, ये इंपैक्ट डालता है एग्जामिनर पर कि हाँ बच्चे ने कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है, सीरियसली इसको इसके बारे में पता है। तो सामाजिकरण के बारे में विद्वानों की आप राय रख दोगे, इसके बाद आपको बताना होगा कि फट इस सामाजिकरण मतलब उसकी विशेषता क्या है, हमारे लाइफ में उसका यूज क्या है। तो अगला टॉपिक जो हमें पढ़ने वाला है वो क्या है, सामाजिकरण की विशेषताएं। सामाजिकरण की क्या विशेषता है, तो सबसे पहली चीज सामाजिकरण की क्या विशेषता है कि यह सीखने की एक प्रक्रिया है कि जिंदगी में हमें क्या करना है, कब कैसे निर्वाह करना है, कब जीवन में कहां जाना है, तो वो क्या कहलाता है, एक सीखने की प्रक्रिया है कि आपको सीखना पड़ेगा। सामाजिकरण क्या किया जाता है, सीखा जाता है। एक बच्चा पैदा होता है वो धीरे धीरे हर एक चीज सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है, अपने घर वालों से सीखता है, अपने दादा दादी से सीखता है, अपने अलग अलग जब स्कूल में जाता है स्कूल में सीखता है। तो मतलब सामाजिकरण क्या है, सीखने की एक प्रक्रिया है। दूसरी चीज इसकी विशेषता क्या है कि ये आजीवन प्रक्रिया है, यानी कि सामाजिकरण क्या है, सीखने की आजीवन प्रक्रिया है। यानी कि अपने जीवन के हर एक स्टेज पर, अभी आप स्टूडेंट हो, छोटे बच्चे हो तो आपकी क्या भूमिका है, आप उससे बड़े हो रहे हो उसकी क्या भूमिका है, आप एक बड़े भाई बन रहे हो उसकी क्या भूमिका, अलग अलग समाज में एस्पेक्ट आ रहे हैं उसमें क्या भूमिका, आपका विवाह है उसमें क्या भूमिका है, मतलब जीवन के हर एक एस्पेक्ट में आपको एक पदवी दिया गया है उस समय आपकी क्या भूमिका है, हर चीज को सीखना। यानी कि लाइफ में क्योंकि हर एक चीज आप छोटे बच्चे हैं तभी आपको पूरे लाइफ में क्या क्या हो सकता है वो सब सिखाया नहीं जा सकता, आप लाइफ में बढ़ते हुए एक्सपीरियंस लेते हो कि हाँ यहाँ मैं स्टेज हुए हूँ, यहाँ मुझे क्या जरूरत है, उस चीज को सीखते हो। तो शिक्षा मतलब जो सामाजिकरण है, समाज में कैसे रहना है, ये क्या है, एक आजीवन प्रक्रिया है, यानी कि पूरे जीवन ये चलती रहती है। एंड तीसरा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा समझने की कोशिश करना कि समय और स्थान के सापेक्ष होता है सामाजिकरण। समाजीकरण क्या है, समय और स्थान के सापेक्ष है। समय मीन्स टाइम, जैसे कि अभी इस समय वर्तमान के समय में समाज किस तरह से होना चाहिए, एक आइडियल समाज, एक अच्छा समाज कैसे होता है, और एक व्यक्ति को अगर समाज के अनुसार अपने आप को ढालना है, अपने आप को समाजीकरण करना है, अपने आप को समाजीकरण सिखाना है, तो उसके लिए कुछ अलग चीजें होंगी। और आज से 1000 साल पहले 2000 साल पहले आप देखोगे जाकर के उस समय समाजीकरण की परिभाषा कुछ और थी, समाज कुछ अलग तरीके से रहना चाहिए था, ये इसको एक आइडियल समाज कैसे होना चाहिए वो उसकी पूरी परिभाषा ही अलग थी। आज से 10,000 साल पहले आप देखोगे जाकर के अलग ही था समाज को लेकर के देखने का नतीजा, यानी देखने का तरीका। 10 साल 20 साल बाद आप देखोगे समाज कुछ बड़ी तेजी से चेंज हो चुका होगा। तो समाजीकरण जो प्रक्रिया है कि समाज में किस तरह से होना चाहिए एक व्यक्ति को, या एक व्यक्ति को समाज के अनुसार क्या सीखना चाहिए, तो ये जो प्रक्रिया है ये समय के सापेक्ष होता है कि कौन सा टाइम है, इस टाइम पर किस तरह से समाजीकरण होना चाहिए। ओके, एंड दूसरा चीज है आपका स्थान के भी सापेक्ष है। यानी कि आप इंडिया में रह रहे हो, यहाँ का समाजीकरण कुछ अलग है, यहाँ का कल्चर कुछ अलग है, यहाँ की संस्कृति कुछ अलग है। जहाँ पर आपको जीवन जीना है, एक समाज में बेहतरीन मेंटेन बना करके रखना है, एक ऑर्डर बना करके रखना है, तो उसके लिए चीज़ें अलग हैं, उसके लिए शिक्षाएं अलग है, उसके लिए एजुकेशन अलग है। अगर आपको वेस्टर्न कंट्रीज में रहना है या दुनिया के अलग अलग देशों में अगर आपको रहना है तो हर जगह का वहाँ के हिसाब से समाजीकरण होता है, वहाँ पर किस तरह की व्यवस्था है, किस तरह के लोगों का बिहेवियर है, किस तरह का वहाँ सोशलाइजेशन है, तो उसके अनुसार ढला जाता है। यानी कि जो समाजीकरण है वो सार्वभौमिक नहीं है कि हर जगह एक ही जैसे समाजीकरण होगा या एक ही जैसे व्यक्ति के अनुसार बिहेव होना चाहिए, नहीं। समाजीकरण क्या है, ये समय के भी सापेक्ष है और स्थान के भी सापेक्ष है कि इस स्थान पर या इस समय पर ये समाजीकरण है, इस स्थान पर ये समाजीकरण है, इस स्थान पर दूसरा समाजीकरण है। यानी कि समाजीकरण और जो है वो समय और स्थान के सापेक्ष है। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी डाउट आपको आता है तो आप जस्ट कमेंट में जाइए और कमेंट कर दीजिए, आपके डाउट भी क्लियर किया जाएगा। ओके, चलो देखते हैं आगे। समाजीकरण का अगला विशेषता क्या है कि यह आत्मा का विकास है। यानी कि जब हम सीखते हैं कि समाज कैसे रन होना चाहिए या समाज में अलग अलग टाइम पर अलग अलग एस्पेक्ट पर मनुष्य के जीवन की क्या हाई वैरायटी हो सकती है, तो इससे हमारी आत्मा का विकास होता है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ हम एक अच्छे समाज को बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, समाज को एक लेवल पर ले जाने का योगदान दे रहे हैं, हम अलग अलग चीजें सीख सकते हैं। तो इसके क्या होता है, हमारी आत्मा का विकास होता है। जितना आपके अंदर नॉलेज आता जाएगा, जितनी चीजें आप सीखते चले जाओगे, वो आपके अंदर से एक
पावर जनरेट करती है, एक आपको एक पावरफुल एक इम्पैक्टफुल इंसान दिखाती है, आपका कैरेक्टरिस्टिक बनाती है। तो आत्मा का विकास होता है, इसकी एक विशेषता है। अगली चीज इसकी है कि संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है, यानी कि जो समाजीकरण है, जो हम समाज में सीखते हैं वो क्या है, हमारा जो कल्चर है उसी को तो हम सीखते हैं। तो कल्चर जो हमारा है उसको आत्मसात करने का, उसको ग्रहण करने की ये क्या है, प्रक्रिया है कि हमारा जो भी कल्चर है, जो भी हमारी संस्कृति है, उसको आत्मसात कर लिया जाए, उसको सीख लिया जाए, उसकी क्या है, प्रक्रिया है समाजीकरण। समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनने की प्रक्रिया, अगली विशेषता क्या है कि समाज का प्रकार्यात्मक, प्रकार्यात्मक मतलब ऐसा पर्सन जिसके कार्यों से समाज को लाभ हो, ऐसा कार्य करने वाला बंदा कि समाज, समाजीकरण की विशेषता क्या है कि समाज में एक व्यक्ति को एक सदस्य है जो मान लिया अगर उसको समाजीकरण नहीं मिला है तो उसको समझ ही नहीं आएगा उसको करना क्या है, मतलब वो कुछ भी करेगा किसी भी लेवल पर करेगा। तो समाज का प्रकार्यात्मक यानी कि ऐसा व्यक्ति बना दे, ऐसा सदस्य बना दे जो समाज के लिए डोनेट कर सके या समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके, समाज में कुछ अपना योगदान दे सके, उसको कहते हैं प्रकार्यात्मक। तो समाज का प्रकार्यात्मक सदस्य बनाने में भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो समाजीकरण की ये कुछ विशेषताएं थी, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब आओ आगे देखते हैं समाजीकरण का उद्देश्य, क्योंकि देखो कोई भी चीज है जब तक उसके पीछे आपको उद्देश्य नहीं क्लियर होगा कि मतलब ये क्यों किया जा रहा है इसके पीछे, तो इसके पीछे उद्देश्य जानना बहुत जरूरी है। अगर आप सोशियोलाइजेशन पढ़ रहे हैं, समाजीकरण पढ़ रहे हैं, तो समाजीकरण का उद्देश्य क्या है? तो देखो समाजीकरण का पहला उद्देश्य है आधारभूत नियमबद्धता का विकास। यानी कि अगर एक बच्चा है, एक बच्चा पैदा हो रहा है, अब उसको एक रूल में रखना है, एक सिस्टम में रखना है, तो ये क्या है, कह रहा है आधारभूत नियमबद्धता का विकास। इससे आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, अब उसको कैसे रहना चाहिए समाज में, या कैसे बोलना चाहिए, किस बिहेव में बात करना चाहिए, तो ये क्या है, कुछ आधारभूत चीजें हैं। उसको कैसा एजुकेशन मिलना चाहिए, कौन सा बैकग्राउंड होना चाहिए, उसको समाज में कैसा मिलना चाहिए, तो आधारभूत चीजों के बारे में जैसे कि आधारभूत नियमबद्धता का विकास होता है इससे। तो इसका उद्देश्य क्या है कि बच्चे के अंदर, एक बच्चा उसके अंदर कुछ बेसिक चीजें डाल दी जाए कि आपका कल्चर है, ये आपका रिलीजन है, ये आपकी सोच है, या आपका समाज इस तरह से रहा था, इस तरह से लोग रहते थे, इस तरह के लोगों को महान कहते हैं, इस तरह के लोग अच्छे हैं, इस तरह के लोग बुरे हैं, मतलब उसके अंदर क्या किया जाए, एक अंडरस्टैंडिंग का लेवल डेवलप किया जाए, यानी कि आधारभूत एक बेस तैयार कर दिया जाए कि ये चीजें होती हैं, ये इसका उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है आकांक्षाओं की पूर्ति, यानी कि समाज में एक व्यक्ति कैसा होना चाहिए, एक बच्चा कैसा होना चाहिए, एक टीचर कैसा होना चाहिए, एक व्यक्ति कैसा होना चाहिए, एक वर्कर कैसा होना चाहिए, या एक ओनर कैसा होना चाहिए, एक इम्पैक्टफुल पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए, तो ये उन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि समाज एक अच्छे तरीके से मेंटेन हो सके, एक अच्छे तरीके से रन कर सके। इस भूमिका को निभाने में, इन आकांक्षाओं की पूर्ति करने में भी समाजीकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरी चीज समाजीकरण का उद्देश्य है सामाजिक भूमिकाओं को निभाने की सीख, यानी कि समाजीकरण का मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में व्यक्ति अपनी भूमिकाओं को, अपने रोल को निभा सके। यह बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य और बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है कि समाज में व्यक्ति अपनी जो जिम्मेदारियां हैं, अपने जो रोल उसको दिया गया है, जो भूमिका दिया गया है, उसका निर्वाह करने के योग्य बन जाए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसके बाद अगला क्षमताओं का विकास। सब व्यक्ति समाजीकरण करता है, समाज में अलग अलग चीजें सीखता है कि ये चीजें करते हैं ये लोग करते हैं, पैसा कमाने के लिए ये लोग करते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये लोग करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने के लिए ये लोग करते हैं, समाज में एक बेहतरीन स्थान प्राप्त करने के लिए। तो जब आप इस चीजें देखते हो कि ऐसे ऐसे लोग करके अपने जीवन में कहां से कहां पहुंचते हैं और जो लोग नहीं करते हैं वो कहां जाके बैठते हैं, तो आप जब देखते हो ये सब चीजें सीखते हो तो इससे आपको एक क्षमता अपने अंदर डेवलप होती है कि अगर इसने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूं, मतलब ये चीजें में मुझे भी इंटरेस्ट है तो मैं भी ऐसे जा सकता हूं। तो इससे आपके क्षमताओं का विकास होता है जब आप समाजीकरण में जाते हो। तो इसका नेक्स्ट क्या था, क्षमताओं का विकास। अब समाजीकरण होता कैसे है, वो कौन कौन सी चीजें हैं जिन चीजों की वजह से समाजीकरण हो पाता है, यानी कि जो चीजें समाजीकरण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं कि कैसे समाजीकरण होता है, तो इसके लिए समाजीकरण के कारकों को समझते हैं। इसमें सबसे पहला कारक है समाजीकरण का सुझाव, एडवाइस, कि व्यक्ति को कैसे रहना चाहिए उसके प्रति उसको सुझाव दिया जाए कि बेटा ऐसे काम करना चाहिए, या इस जगह पर ऐसे जाना चाहिए, इस जगह पर ऐसे करना चाहिए, इनके साथ इस तरह से बिहेव करना चाहिए, इनकी आपसे ये रिलेशन है, इनके साथ आपका बिहेवियर ये होना चाहिए, इनके प्रति आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, मतलब एक आपको एडवाइस दिया जाए, एक सलाह दिया जाए, जिससे भी व्यक्ति को क्या होता है, एक चीज पता चलती है, जिस कुछ भी आप करते जा रहे हो आपको कुछ नहीं पता है कि इससे क्या होने वाला है या इसके प्रति मेरा क्या जिम्मेदारी है, तो आपको एक एडवाइस दिया जाता है कि इसके साथ आपको ऐसा करना चाहिए। तो सुझाव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। दूसरा चीज है आपका सहानुभूति, यानी कोई काम आप कर रहे हो और आप लोगों को सहानुभूति मिल रहा है, या आपको कोई सहानुभूति दे रहा है कि हाँ यार तुमको करना चाहिए, तो ये भी क्या है, समाजीकरण की एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अगला है सहमति और असहमति।
सहमति और असहमति भी समाजीकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस वे में सोचना चाहिए, कहाँ नहीं सोचना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। ये एक सहमति और असहमति दिखाती है कि आप कुछ काम कर रहे हो और समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, या समाज के को लग रहा है ये बहुत गलत है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो अपनी असहमति दिखाएंगे। इससे भी आप सीखते हो ना कि हाँ ये चीज गलत है। आप चोरी कर रहे हो अगर और समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो इट मीन्स वो चीज गलत है। तो इससे भी आप क्या करते हो, एक सीखते हो, और कुछ आप ऐसा करते हो जिससे लोग आपको सहानुभूति आपके तरफ लेकर के जाते हैं, आपको कंप्रोमाइज मतलब आपको लोग उत्साह देते हैं, आपको लेकर के लोग बातें करते हैं कि ये बंदे ने क्या कर दिया, अच्छा कर दिया, आपकी बड़ाई करते हैं, तो वो भी क्या है, सहमति है लोगों की। तो इससे भी आप सीखते हो कि कौन सा काम करें जिससे कि अच्छा रहेगा समाज के लिए, कौन सा काम बुरा रहेगा समाज के लिए, यह आप सीखते हो। अगला चीज है मजाक उड़ाना। यह भी बहुत महत्वपूर्ण समाजीकरण का कारक है कि आप कोई काम कर रहा है और आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, क्या काम है यार, चुतियापा कर रहे हो, बेवकूफी कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, या ये तुम क्या बोल रहे हो, इस तरह से कोई बोलता है, इस तरह से कोई करता है, मतलब आप किसी का मजाक उड़ा रहे हो। इन द सेंस कि अब उसको लेने के भी अलग अलग नजरिए होते हैं कि कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, आप उसको किस वे में ले रहे हो, किस ढंग में ले रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको लर्निंग प्रोसेस में ले रहे हो, काफ़ी आगे आप निकल सकते हो अपनी लाइफ में, या आप उसको ऐसे प्रोसेस में ले रहे हो कि इसने मुझे गलत बोल दिया मतलब मैं बेकार हूं, तो वो आपके लिए गलत कर सकती है। तो मजाक उड़ाना भी समाजीकरण का एक कारक है, हाँ ये चीज़ गलत है, तुम्हारा मजाक उड़ा देगा, अब आप वो काम ना करो, और बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। तो मजाक उड़ाना भी समाजीकरण का एक कारक है। इसके बाद आता है आपका पुरस्कार और दंड। पुरस्कार और दंड क्या होता है, ये भी समाजीकरण में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कि कोई काम आपने किया और आपको लोगों के सामने ला करके प्राइज दिया जा रहा है, आपको पुरस्कृत किया जा रहा है, इट मीन्स ये क्या संदेश दे रहा है आपको कि वो काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपने किया, इसलिए आपको जो है प्राइज दिया जा रहा है, आपको गिफ्ट दिया जा रहा है, आपको माला पहनाया जा रहा है, या आपकी बड़ाई किया जा रहा है कि हाँ इस बंदे ने ये किया, इसको ये पुरस्कृत कर दो। और वहीं दूसरी तरफ आप कुछ ऐसा कर रहे हो जिसके लिए आपको दंडित किया जाता है, आपको जेल भेजा जाता है, आपको मारा पोटा जाता है, आपको समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है, इट मीन्स आप वो चीज़ गलत है। तो इससे भी हम समाजीकरण में सीख सकते हैं कि जो चीज़ लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसके लिए प्रोत्साहन दिया जाता है वो चीज़ अच्छा है, जिसके लिए लोग जो है लोगों को दंड दिया जाता है, जेल में भेजा जाता है, कानूनन अपराध है, वो काम क्या है, गलत है। अगला चीज़ 6 नंबर इसका कारक है समाजीकरण का, दैट्स अनुकरण। अनुकरण क्या होता है इसको थोड़ा सा समझो, मैं थोड़ा सा इसमें देने वाला हूँ, इसके बाद का अगला चैप्टर केवल अनुकरण के बारे में ही है, सेकंड चैप्टर आपका अनुकरण पर ही है, क्या होता है अनुकरण, क्या है, कैसे है। बट अनुकरण का मतलब होता है, अनुकरण का अर्थ होता है देख करके सीखना। यानी कि एक बच्चा है, अब वो अपने घर में अपने पेरेंट्स को देख रहा है, अपनी मम्मी को देख रहा है, अपने पापा को देख रहा है कि वो किस बिहेव में बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, कौन से लैंग्वेज में बात करते हैं, उनके बीच कैसा बिहेवियर रहता है, सब कुछ वो दिखता है और धीरे धीरे वो सीखता चला जाता है। और कहते हैं एक बच्चा 4 साल की उम्र तक जितना सीख जाता है वो अपनी जिंदगी में पूरा जितना सीख सकता है उसका 50% वो अपने 4 साल की एज में सीख जाता है। इट मीन्स हम देखते हैं और उससे सीखते हैं। तो देख करके सीखना, किसी को देखा और उसको सीखा और उस तरह से काम करना स्टार्ट कर दिया, दैट मीन्स वो क्या है, अनुकरण है। और ये भी समाजीकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अपने पेरेंट्स को देखते हो इस तरह से करते हैं, उसी तरह से आप भी स्टार्ट हो जाते हो। जिस भगवान की पूजा करते हैं, जिस ईश्वर को में मानते हैं, जिस धर्म में मानते हैं, जिस रिलीजन में मानते हैं, मैक्सिमम लोग उसी रिलीजन में, उसी धर्म में, उसी सोच के साथ, उसी बिहेवियर के साथ रहते हैं। तो अनुकरण भी समाजीकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। अब समाजीकरण के कौन कौन से सोपान हैं और वो भी देख लेते हैं। तो सामाजिक सोपान मतलब सामाजिक अवस्था, मतलब समाज में कौन कौन सी अवस्थाओं में हम रहते हैं। जैसे कि समाजीकरण के विभिन्न सोपानों की बात करें, अगर कि समाजीकरण के विभिन्न सोपान कौन है, बच्चा एक पैदा होता है उसको कौन कौन से स्तर पर देखा जाता है और कौन कौन से स्तर पर वो सीखता है। जैसे कि सबसे पहली बात क्या गया, जो मौखिक अवस्था, इसको आप कह सकते हो बाल्यावस्था, मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो उसके कुछ मंथ तक उस व्यवस्था को कहते हैं हम मौखिक अवस्था। और इस अवस्था में बच्चा अपनी माँ को देख करके, अपने पेरेंट्स को देख करके, अपने घर वालों को देख करके जो भी चीज़ें सीखता है, ऐसे मतलब अवस्थाओं की बात किया गया है कौन कौन से अवस्थाओं में सीखता है। तो इस अवस्था में भी सीखता है जिसको कहते हैं मौखिक अवस्था। दूसरी अवस्था है आपका शौच अवस्था। शौच अवस्था यानी कि वो अवस्था जिसमें शौच समझते हैं ना, शौचालय, जिस समय में ऐसी अवस्था हो जब बच्चा ये ना समझ पाए कि उसको शौच कहाँ पे करना है। इट मीन्स बहुत इजी, यानी कि वो पीरियड 2 से 3 साल का पीरियड जो कहते हैं उसको कहते हैं शौच अवस्था। इसके बाद आता है अगला अवस्था आपका तदात्मिकरण अवस्था। तदात्मिकरण मतलब जहाँ पर बच्चे को थोड़ा बहुत अपने बारे में समझ आने लगता है कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, या ये लोग मेरे कौन है, या इनसे मेरा रिलेशन क्या है, ये मेरे अपने हैं या मेरे दूसरे या दूसरे हैं, मतलब थोड़ा बहुत उसको अपने बारे में समझ आने लगे, आत्मिकरण हो सके, तो उसको कहते हैं तदात्मिकरण अवस्था। एंड इसके बाद अगला टाइम पीरियड आता है बच्चे के जीवन में, वो है किशोरावस्था, जिसको हम कहते हैं टीनेज।
यानी कि 13 से लेकर के 19 तक दैट की 16 अवस्था। इस समय कौन सी चीजें जरूरत है पढ़ने के लिए, क्या चाहिए, टीचर्स का रिस्पेक्ट करना चाहिए, समाज में इस तरह से रहना चाहिए, मतलब हर एक सिचुएशन पर, हर एक टाइम पीरियड पर सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है और सीखने को ही हम समाजीकरण कहते हैं। तो इसके बाद आता है किशोरावस्था, इसके बाद आता है आपका जो 20s है जिसको हम कहते हैं युवावस्था, फिर आप युवावस्था से ऊपर उठते हैं, आप 20s क्रॉस करते हैं, आप 30s में जाते हैं, वो कहलाता है आपका प्रौढ़ावस्था, एंड इसके बाद आ जाता है प्रौढ़ावस्था के बाद आपका वृद्धावस्था। इस तरह से इतने फैक्टर्स हैं, इतने सोपान रखा गया समाजीकरण को समझने का, और इन सभी टाइम्स पर बंदा कुछ ना कुछ स्पेसिफिक सीखता है, मतलब इसका एक्सपीरियंस धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। हर एक टाइम पीरियड पर मौखिक है उससे थोड़ा सा सोच में आ गया, एक्सपीरियंस बढ़ गया, तदात्मकरण में गया थोड़ा और एक्सपीरियंस बढ़ा, थोड़ा और चीजें सीखी, अब किशोरावस्था में, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में, इस तरह से मनुष्य का जीवन चलता रहता है। तो ये अवस्थाएं हैं, ये सोपान है। अब समाजीकरण के प्रमुख अभिकरण कौन कौन से हैं, यानी कि वो कौन कौन से लोग हैं जो जहां से हम बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है या बहुत कुछ हम सीखते हैं या जिनसे हम समझते हैं चीजों को। तो देखो समाजीकरण के दो कारक होते हैं, देखो समाजीकरण के प्रथम अभिकरण होते हैं, दो प्रकार के अभिकरण होते हैं, एक प्रथम अभिकरण होता है, एक द्वितीयक अभिकरण होता है, या संस्थाएं कभी कभी पूछ लेता है समाजीकरण की प्रथम संस्थाएं कौन कौन सी हैं, द्वितीयक संस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ये कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लेता है, आपसे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछ लेता है। तो आप देखो, आपको मैं एक फिगर भी दिखा रहा हूं, ये फिगर आप देखो और समझो। देखो इस फिगर में जो आपको दिख रहा है बीच में आप हो, मैं, एंड उसके बाद जो आपको दिख रहा है पहला राउंड, दैट इज योर फैमिली, आपका परिवार, कि आपकी ये फैमिली आपका परिवार है, यहाँ से आप बहुत कुछ सीखते हो, ये आपका प्रथम संस्था के अंतर्गत सबसे पहला एक बिंदु आता है आपका फैमिली, क्योंकि वही स्ट्रक्चर होता है जब आप छोटे होते हो तो वहीं से सीखते हो। फिर धीरे धीरे बढ़ता है आपका स्ट्रक्चर, दूसरा आता है आपका क्रीड़ा समूह, क्रीड़ा समूह यानी कि आप खेलने जाते हो, आपके फ्रेंड्स होते हैं, वहां पर एक समूह बनता है आपका, उसको कहते हैं क्रीड़ा समूह, एंड ये भी आपके प्राथमिक संस्था के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद अब क्रीड़ा हुआ, आप खेलने जा रहे हो, अब आप देखो कि आपके आस पड़ोस कुछ लोग रहते हैं जिसको कहते हैं पड़ोसी, तो पड़ोस के चीज़ों से या पड़ोस के लोगों से जो हम सीखते हैं या उनका भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, कैसे वो रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या चीज़ें हमें सिखाते हैं, तो पड़ोस क्या हो गया, ये भी प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आता है। इसके बाद आगे आपकी नातेदारी समूह, यानी कि आपके रिश्तेदार जो आपसे रिलेट करते हैं, आपके पेरेंट्स से रिलेट करते हैं, आपके मम्मी से रिलेट करते हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स से रिलेट करते हैं, ये जो आपके नातेदार हैं वो भी आपके प्रथम समूह के अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आते हैं। एंड इसके बाद आता है आपका विवाह, जहां आपका विवाह हो रहा हो या विवाह से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जहां जहां लोग कनेक्टेड है, ये प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आता है। ये चीजें जितनी भी मैंने आपको बताया, परिवार, क्रीड़ा, पड़ोस, नातेदारी और विवाह, ये पांच चीजें, पांच ऐसे समूह हैं जो समूह आते हैं आपकी प्राथमिक संस्था के अंतर्गत, प्राथमिक संस्था के अंतर्गत इनको रखा जाता है। और इसके बाद के जो समूह हैं, जैसे कि शिक्षण संस्थाएं हो गई, यानी कि जहां पर आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, जहां पर आप शिक्षा ग्रहण करते हो, चाहे वो स्कूल हो, धीरे कॉलेज में पढ़ते हो, डिग्री कॉलेज में पढ़ते हो, उससे आगे कॉलेज में जाते हो, पीजी करते हो, अलग अलग क्लासेस, तो जो भी आपकी शिक्षण संस्थाएं हैं वो सब क्या है, द्वितीयक संस्थाएं हैं। राजनीतिक संस्थाएं जिसके जिसको आप मानते हो, जिसको फॉलो करते हो, जिस पार्टी का आप समर्थन करते हो, राजनीतिक संस्थाएं, ये भी आपकी द्वितीयक संस्थाएं। आर्थिक संस्थाएं यानी कि पैसा कमाने के लिए आप जिन संस्थाओं के साथ जुड़ते हो वो कहलाएंगे आपकी आर्थिक संस्थाएं, ये भी आपकी द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आता है आपका धार्मिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं भी आपकी द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, जिस धर्म से रिलेट करते हो, उस धर्म से रिलेटेड आप क्या करते हो, कौन सी चीजें करते हो, किस फंक्शन में आप जाते हो, वो संस्थाएं जो जहां पर जाकर के आप देखो, तो हर संस्था से आप कुछ ना कुछ सीखते हो, चाहे आपका परिवार हो, क्रीड़ा हो, पड़ोस हो, नातेदारी हो, चाहे विवाह हो, शिक्षण संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, आर्थिक संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं, यहां से हम एक्सपीरियंस लेते हैं, यहां से हम सीखते हैं और अपने जीवन में इन सभी चीजों का इंप्लीमेंट करते हैं। इसके बाद आपकी सांस्कृतिक संस्थाएं हो गई, कुछ फंक्शंस हो रहे हैं, व्यवसाय आप कर रहे हो, कोई बिजनेस आप कर रहे हो, उसमें आप लोगों से जुड़ रहे हो, समूह ले रहे हो, लोगों में जा रहे हो, एक्सपीरियंस ले रहे हो, तो ये सारी चीजें, ये सब क्या है, अभिकरण है। तो प्राथमिक अभिकरण के अंतर्गत पांच चीजें आती हैं, परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, नातेदारी और विवाह। द्वितीय संस्थाओं में आपका शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं और व्यवहार समूह। ओके, अब ये सारी चीजें हो गई। अब इस पर समाजीकरण पर कुछ विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, कुछ ने इस पर बुक्स लिख डाला है, क्योंकि समाजीकरण बहुत बड़ा अपने आप में ब्रॉड है कि समाज में रह करके आप जितना कुछ सीख सकते हो, जितना भी आप अपने आपको एक्सपेंड कर सकते हो, अपने आप को खोल सकते हो, अपने आप को दिमाग को एक्सपेंड कर सकते हो, वो सब कुछ समाजीकरण पे आता है। तो इन सभी चीजों पर कुछ विद्वानों ने अपनी राय रखी, अपने सिद्धांत दिए हैं, जैसे कूले ने इस पर अपना सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत का नाम है आत्मदर्पण का सिद्धांत, कूले ने दिया हुआ आत्मदर्पण का सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत होने वाला है। एंड ये सिद्धांत इन्होंने दिया है अपने बुक ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर।
ह्यूमन नेचर एंड सोशल आर्डर में इन्होंने इस आत्मदर्पण के सिद्धांत को दिया हुआ है, काफी महत्वपूर्ण है सिद्धांत। दूसरा है आपका मीड ने इस पर अपना सिद्धांत दिया हुआ है, जो मीड जो है वो एक दार्शनिक है, मनोवैज्ञानिक है, तो इन्होंने दर्शन और मनोविज्ञान पर अपना एक बुक लिखा हुआ है, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, मनुष्य का दिमाग, उसकी अंतरात्मा और सोसाइटी, इनसे एक इंटरलिंक करते हुए जो चीजें बनती है वो कहलाता है आपका समाजीकरण। तो इस तरह से इन्होंने इस बुक में अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। फ्रायड ने अपना सिद्धांत दिया हुआ है मनोवैज्ञानिक तरीके से कि क्या चीजें हैं। वो मानते हैं कि मानव के समस्त जो व्यवहार है उसकी काम प्रवृत्तियों से ही तय होता है कि वो किस तरह से सोचता है, उसके अंदर किस तरह से बायोलॉजिकल लेवल पर चेंजेज होते हैं। एंड इसके बाद इस पर अपना विचार रखते हुए दुर्खीम ने एक सिद्धांत दिया हुआ है जिसको हम सामाजिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत भी कहते हैं या सामाजिक चेतना का सिद्धांत भी कहते हैं कि समाज में कैसा होना चाहिए, एक चेतना आपके अंदर डेवलप हो, एक समझ आपके अंदर आए, उसके लिए इन्होंने ये चीज दिया हुआ सामाजिक प्रतिनिधित्व या सामाजिक चेतना का सिद्धांत, जो कि इन्होंने सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी नामक अपने बुक में दिया हुआ है। तो ये कुछ सिद्धांत है जिनको आपको समझना है तो इन चीजों को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बट आपके ग्रेजुएशन का सेकंड ईयर में इतना ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एनफ। अब इससे रिलेटेड आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ भी आपसे पूछ ले, यू कैन एंसर, आप एबल हो, इतने एबल हो चुके होंगे अगर आप ये चीजें समझ पा रहे हो, और अभी तक आखिर तक अगर वीडियो में बने हुए हो तो आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो भी आपसे पूछ लिया जाए, आप इस चैप्टर से रिलेटेड, समाजीकरण से रिलेटेड, आप बेझिझक दे सकते हो उस चीज का आंसर। ओके, आपका कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी आपको डाउट है, आप कमेंट करके मुझे जरूर पूछ लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर दो, पहली बार चैनल पर आए प्लीज विजिट द चैनल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी 1400 वीडियोस बीए से रिलेटेड अपलोडेड कर दिए गए हैं, आपके लिए पूरा सिलेबस बना हुआ है, पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप देखो और अपने फ्रेंड सर्कल में भी बताओ लोगों को, ताकि उन तक भी ये चीजें पहुंच सके और उनको भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिल सके। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।